हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। तो आज मैं लाई हूँ सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट नीट वालों के लिए। तो एनटीए ने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रिलीज़ किया है, कुछ नोटिस, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पता है नीट स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग जो भी फाइनल डिसीजन आपका आया था वो ये आया था कि आपका रीनीट नहीं कराया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो आपका फिजिक्स के एटम वाला क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग जो जिसने क्वेश्चन नंबर फोर्थ यानी कि आंसर फोर्थ लगाया उसको आपको मार्क्स दिए गए, इसके अकॉर्डिंग आपका जो है दोबारा से स्कोर कार्ड रिलीज किया जाएगा, यह बात कही गई थी। तो आज जो है वो आपका स्कोर कार्ड आपका रिवाइज्ड यहां पे रिलीज कर दिया गया है एनटीए ने। तो आपको फाइनली यहां पे सिंपली एनटीए की वेबसाइट पे मैं हूं, आप देख सकते हो यहां पर, और आपको यहां पे आना है। देखो स्कोर कार्ड रिवाइज्ड है, यहां पे आप आओगे, यहां पे आप देख सकते हो कि ये है आपका, ठीक है। यहां पे जो एक चीज लिखी हुई है कि आपको चेक करना है आपकी फोटो और क्यूआर कोड स्कोर कार्ड पे, अगर फोटो और क्यूआर कोड मिसिंग है तो आपको रीडाउनलोड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि अगर आपका फोटो और क्यूआर कोड नहीं आपका शो हो रहा है तो आपको रीडाउनलोड करना है। आपको यहाँ पे सिंपली एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट ईमेल और इससे करके आपको सबमिट कर देना है, और इससे आपका रिवाइज स्कोर कार्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी इंपॉर्टेंट वीडियो थी कि जितने भी नीट एस्पिरेंट 24 वाले, आपका फाइनल डिसीजन हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है और आपका रिवाइज स्कोर कार्ड भी रिलीज कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग आपका बस कुछ ही दिनों में, एक दो दिन में आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, और ऑल द बेस्ट जिसके भी अच्छे मार्क्स हैं वो वहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।